यहां से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि बजट 2022 से क्या चीजें सस्ती हुई हैं और क्या चीजें महंगी हुई हैं, कस्टम ड्यूटी में कितनी घटबड़ हुई है और किन किन आइटमों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, किन किन आइटमों की कस्टम ड्यूटी कितनी घटाई गई है, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, बजट में कई बड़े ऐलान भी किए गए। बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता। अब आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कौन कौन से सामान की कीमतों में कटौती होगी और कौन कौन से सामान के रेटों में इजाफा होगा। सबसे पहले बात करेंगे सस्ता होने वाले सामान की। तो विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता हो जाएगा बजट के बाद, खेती के उपकरण सस्ते होंगे, मोबाइल चार्जर, जूते चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। तो सस्ते वाने होले सामान में शामिल हैं आपके विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा, चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल चार्जर, जूते चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे और जेम्स एंड ज्वेलरी। ये चीज़ें बजट के बाद सस्ती हो जाएंगी। यहीं से बात करें अब कि बजट के बाद क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उसमें आपका विदेशों से आने वाला छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वेलरी महंगे होने वाले हैं। तो ये थे सस्ता और महंगा होने वाले सामान। वहीं बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है। सरकार ने साल 2022 के बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है। आपको बता दें कि जेम्स एंड ज्वेलरी की कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती कर दी गई है और जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड जो होता है उस पर भी सरकार ने 5% की ही कस्टम ड्यूटी में कटौती की करी है। वहीं स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। मेंथा ऑयल की बात करें तो मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5% कर दिया गया है। इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। विदेशी छाते की कीमतों में इजाफा किया गया है। बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बजट 2022 में अब क्या क्या सामान महंगा हो जाएगा, क्या क्या सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने वाले सामानों में आपकी विदेश से आने वाली मशीनरी हो गई, खेती के उपकरण हो गए, मोबाइल फोन्स, चार्जर, कपड़े, चमड़े से बनने वाला सामान, ये सब आदि अब सस्ता हो जाएगा। वहीं महंगा होने वालों में आपके कैपिटल गुड्स, इमिटेशन ज्वेलरी और विदेशों से जो छाते आयात होते हैं वो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी इस बजट के बाद और अब वे महंगे हो जाएंगे। तो ये हमने जाना था कि साल 2022 बजट पेश होने के बाद किन किन चीज़ों पर कीमतों में असर पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी और किन किन चीज़ों के दाम घट जाएंगे। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।